नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको गाड़ी चलाते समय कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं जो हमेशा कैरी करने चाहिए। अगर आप इन दस्तावेजों को अपने साथ नहीं रखते हैं तो आपको भारी जुर्माना और उसके साथ जेल भी हो सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से वो दस्तावेज हैं गाड़ी के और कौन से वो दस्तावेज आपके खुद के होंगे जो आपको रखने होंगे, जिससे आपका कोई चालान और कोई जुर्माना ना हो और आपको जेल भी ना हो। तो दो वर्जन में बताऊंगा आपको, एक प्राइवेट का और कमर्शियल का। पहले मैं आपको प्राइवेट का बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कमर्शियल का बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और आने वाली कोई भी प्रॉब्लम का आराम से आप सामना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही सतर्क हो जाओगे। तो वक्त ना खराब करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले बात करते हैं जिनके पास अपना प्राइवेट वाहन है। तो प्राइवेट वाहन में कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने मैंडेटरी हैं और जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो ये दस्तावेज आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और कहीं पर आपको पुलिस वाला या ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है तो इसमें आपका चालान भारी मात्रा में हो सकता है और इसका चालान कम से कम आपको 5,000 का हो सकता है और इसके साथ आपकी गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास लाइसेंस ना हो तो सबसे पहले आप अपना लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद ही गाड़ी रोड पर चलाएं। नहीं तो अगर गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है या गाड़ी कहीं ठुक जाती है, लग जाती है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी नहीं देगी, क्योंकि लाइसेंस के बिना कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं अप्रूव करती है। तो इसका ध्यान रखें कि आपके पास लाइसेंस जरूर होना चाहिए अपने वाहन को चलाने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, RC, जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल हम खरीदते हैं उसका एक RTO ऑफिस से RC बन के आती है, तो वो RC आपके पास होनी जरूर चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर ट्रैफिक वाले या किसी पुलिस वाले ने रुकवाया तो उससे ये पता लग पाएगा कि ये वाहन एक्चुअल में आपका है या किसी रिलेटिव का है, क्योंकि चोरी का वाहन बहुत रोडों पे चलता है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए पुलिस इस तरीके से RC चेक कर सकती है। तो RC आपके पास होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास RC नहीं है गाड़ी की तो उस समय आपका चालान 2,000 से 5,000 के बीच में हो सकता है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो इंश्योरेंस है। आपके व्हीकल का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है तो इस पर आपको 2,000 की पेनल्टी लग सकती है और आपकी गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है, आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। तो इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट को भी आपको कैरी करना पड़ेगा। चौथा जो डॉक्यूमेंट है PUCC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये होना बहुत जरूरी है दिल्ली NCR में भी और अलग स्टेट में भी। NGT ने ये एक एडवाइजरी जारी कर रखी है कि अगर किसी व्हीकल का PUCC नहीं है तो उसका भारी मात्रा में चालान किया जा सकता है। दिल्ली NCR और जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ रखी है उसमें 10,000 से 25,000 तक का चालान हो सकता है और इसके साथ साथ गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है और आपके ऊपर कानूनन कोई केस चलाया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखें कि PUCC होना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है ही है जिनका व्हीकल प्राइवेट है। इसी के साथ जिनका व्हीकल कमर्शियल है उनको ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ दो डॉक्यूमेंट और उनको लगते हैं। पहला उनका लगता है परमिट और दूसरा फिटनेस। फिटनेस सर्टिफिकेट कमर्शियल व्हीकल में होना अनिवार्य है और परमिट भी उनके पास होना जरूरी है। ये अलग अलग परमिट हो सकते हैं, जैसे ऑल इंडिया परमिट और जो रेडियो टैक्सी का होता है वो दिल्ली NCR या लोकल जोन का परमिट होता है। तो जो गाड़ी जिस जोन के लिए पास होती है उस तरीके का वो परमिट उनके पास होना चाहिए। तो इस तरीके के सारे दस्तावेज कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए होने चाहिए। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करते हैं तो
तो आप कोई भी चालान से बच सकते हैं और आप पे कोई भी जुर्माना नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें अगर नहीं है, और गाड़ी तभी चलाएं आपके पास जब डॉक्यूमेंट पूरे हों। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।